कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पाकिस्तान की कोशिश को लगा तगड़ा झटका। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के पत्र को नहीं दी कोई तवज्जो। पाकिस्तान के सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिख एलओसी के करीब सुरक्षा स्थिति और मुद्दे के समाधान पर हस्तक्षेप करने को लेकर लिखा था पत्र। विशाखापत्तनम में चक्रवाती तूफान हुदहुद के गुजर जाने के बाद लोगों के जीवन को सामान्य तौर पर पटरी पर लाना बना बड़ी चुनौती। सैकड़ों पेड़ों और खंभों के उखड़ जाने और मलबों के कारण सड़कें टूटी। ओडिशा में प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित हुए 4 आदिवासी जिलों में जीवन को सामान्य स्थिति में लाने के लिए प्रयास तेज हुए। ओडिशा सरकार ने कहा कि चक्रवात के कारण करीब 80,000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के साथ साथ राजधानी रायपुर में तूफान के चलते रुक रुक के बारिश हो रही है। यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी पहली नॉर्वे यात्रा के दौरान नॉर्वे के नरेश हराल्ड पंचम से रॉयल पैलेस में मिले। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद नॉर्वे के नरेश ने मुखर्जी को 1849 में निर्मित रॉयल पैलेस का भ्रमण कराया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में निवेश के लिए नॉर्वे के आर्थिक जगत को विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रपति ने नॉर्वे की कंपनियों से भारत के मेक इन इंडिया अभियान से जुड़ने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियन खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की। इस बार के एशियन खेलों में भारत ने 11 स्वर्ण, 10 रजत और 36 कांस्य सहित कुल 57 पदक जीते हैं। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रा स्फीति सितंबर के महीने में घटकर 5 साल के न्यूनतम स्तर 2.38% पर आई। अगस्त के महीने में यह 3.74% थी। उत्तरी अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादियों ने पुलिस के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। हमले में 22 पुलिस अधिकारी मारे गए और 8 अन्य घायल हो गए। इराक की राजधानी में शिया बहुल इलाकों में एक घंटे के अंदर 3 बम विस्फोट हुए जिसमें लगभग 22 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट के समय सड़क पर भारी भीड़ थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूर्वी एशिया और प्रशांत देशों को इबोला महामारी को फैलने से रोकने के लिए अभियान तेज करने को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख मार्गरेट चान ने पश्चिमी प्रशांत देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।